हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। जी हां, लर्न डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। तो आज की क्लास में बहुत ही मजेदार टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ, फिल्टर डेटा विथ रैंक। हमारे पास अगर रिपीटेड डेटा है, अगर हमें रिपीटेड डेटा को फिल्टर करना है या कहीं पे लुकअप करना है, बस उसके रैंक के हिसाब से वो अरेंज होना चाहिए, तो कैसे करेंगे आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार फॉर्मूला मैंने बनाया है, उसको अच्छे से देखिएगा। और आप पहली बार आए हैं, सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, घंटे को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज आपको हमेशा मिलता रहे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं। तो मेरे पास डेटा है, मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा है, और इस डेटा में आप जी एस आई जे कॉलम देखिए, जी एस आई जे कॉलम देखिए। तो इसमें आई में हमारा इंडस्ट्री टाइप जैसी, मतलब कि टेक्नोलॉजी का नाम जो रिपीटेड है, और यहाँ पे इसके परसेंटेज है। अब मेरे पास एक डेटा है जिसे मैंने अपना नंबर का डाल रखा है, तो मुझे सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसकी रिटर्न पोटेंशियल को लुकअप करना है, बट लुकअप करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ भी सॉफ्टवेयर, यहाँ भी सॉफ्टवेयर है। तो अब हम इस डेटा को फिल्टर करते हैं, फिल्टर कर देता हूँ मैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग फिल्टर कर दिया कि यहाँ पे देखिए रिपीटेड है, तो पहला आप देखिए पहला 28 है, 26 है, 21, 21 और 17% है। तो यहाँ भी डेटा उसी तरह से आना चाहिए, यहाँ पे 27.71 था, 28 ही हुआ। इसके बाद नीचे देखिए 25 है, 21 है, उसके बाद नीचे हाँ 17 है, यहाँ भी 21 है और 17 है, इस तरह से अरेंज हुआ। बट हमने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, लेकिन फिर मैं फॉर्मूला आपको दोबारा लगा के बताता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंडेक्स का, पर इंडेक्स पे जो हम डेटा देंगे वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का देंगे, या किसी ये जो यहाँ पे दिए हुए जो जीआईजी इंडस्ट्री है उसी के अकॉर्डिंग देंगे, तो उस डेटा फिल्टर होके आएगा। तो फिल्टर फॉर्मूला में हमने अपना डेटा को इसको हाँ यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें कंडीशन क्या है, तो कंडीशन में हमने यहाँ पे बोला कि ए जो है ए इक्वल टू होना चाहिए हमारा ए सॉफ्टवेयर। ये फिल्टर फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें हमें काउंट इफ लगाना है, और काउंट इफ में हमने सेलेक्ट कर लिया ए C4 से C4, ताकि सीक्वेंस अरेंजिंग फॉर्मेट में होना चाहिए काउंट, और पहले वाले को मैंने फ्री कर दिया। अब मैं यहां से एंटर प्रेस करता हूं, इसमें हमारा रो नंबर आ गया, हमने कॉलम नंबर तो दिया ही ना, कॉलम नंबर हमारा आ जाएगा 2। अब सही आया, आ गया। इसमें एक था कि इसमें हमने जे कॉलम तो लिया था, बट इसमें मैंने आई और जे दोनों ले लिया फिल्टर में। अब नीचे ड्रैग इसको कर देते हैं, नीचे इसको डिलीट कर देते हैं, तो आ गया। तो आपके सामने 27% आ गया, 26% आ गया। आपके वर्क कैसे करेगा, देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं एवलेट करता हूं तो आपको पता चलेगा कि वर्क कैसे कर रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं फिल्टर जे जाई जे से जे, और इसमें आई से आई सी फोर है। इसने बताया है कि हमें इसमें जे कॉलम का डेटा चाहिए, लेकिन आई कॉलम का डेटा मैच करता हो सी फोर, मतलब कि सॉफ्टवेयर से। तो यहां पे अगर यहाँ पे आपको वही डेटा यहाँ दिख रहा, यहाँ पे वही इसमें
यहाँ पे वही डेटा का आया हुआ है जो सॉफ्टवेयर से मैच कर रहा हो, ये फिल्टर ने गिर दिया, फिल्टर का ये काम होता है। उसके बाद काउंट इफ ने बताया कि भाई एक सॉफ्टवेयर का पोजीशन पहला है। अब यहाँ पे अगर इसको एवेलेट करता हूँ मैं इसको, तो सॉफ्टवेयर आपका काउंट इफ क्या बता रहा है, काउंट इफ बता रहा है हमने बोला C4 से C4, C4 तो यहाँ 1 दिया। अगर हम पहले वाले को यहाँ से फ्रीज करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ आपका जैसे सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर 1 था, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिपीट हुआ था 2, 3, 4, इस तरह सिक्वेंस में दिया जा रहा है। जी हाँ, सिक्वेंस में बिल्कुल। बट इसमें हमने इस डेटा को शॉर्ट कर लिया हुआ है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो डेटा हमारा शॉर्टेड है, लेकिन अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हम अगर डेटा मेरा शॉर्टेड ना हो तो ऑटोमेटिकली फिल्टर के अंदर में शॉर्ट होके कैसे आएगा, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ ऑनलाइन क्लास जूम पे लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए एंड डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, एक दो क्लास मेरे साथ डेमो ले। साथ में ऊपर में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप उसको अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए। कभी भी एक्सेल प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की एक्सेल की प्रॉब्लम होती है, मुझे आप कॉल कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए अपना फोन ऑन करके रखूंगा। थैंक यू।